नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए कंथापुरा गांव में स्थित महाकाली माता के वट का दर्शन करने के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने। यह वट गांधीनगर जिले के जयगाम तालुका के कंथापुरा गांव में स्थित है। तो चलिए अब हम इस वट के बारे में और मंदिर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कंथापुरा वड 500 साल पुराना वड है। इस वड के थड़ में महाकाली माता विराजमान है। महाकाली माता का मध्यम स्थलीय मंदिर वड के थड़ के नीचे बनाया गया है। तो इस मंदिर के बारे में बात करें तो पहले तो सिर्फ यहाँ एक मूर्ति हुआ करती थी और ये मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है और इस मंदिर के आगे से प्रसाद थनार हर व्यक्ति माता के दर्शन करके ही निकलती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे सबका विश्वास भी बढ़ता गया और महाकाली माता के पर्चे भी बढ़ने लगे और उसके बाद कंथापुरा गांव के कुछ मोबाइल व्यक्तियों ने मिलके यहाँ मंदिर बनाया और यह मंदिर को 45 साल हो गए हैं। यह है महाकाली माता का मुख्य स्थानक। महाकाली माता कंथरपुरा गांव की गामतोड़ा की माता भी है। कंथरपुरा गांव का नाम कंठेश्वर महादेव के नाम से लिया गया है। यह गांव बहुत ही पुराना है। आज भी यहाँ खोड़ काम करते समय माटी के जूने वासन जैसी चीजें मिल आती है। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे भक्त लोगों ने यहाँ माता की चुंदरी बांधी हुई है। तो चलिए अब हम इस पेड़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यह पेड़ 500 साल पुराना और आधे एकड़ में फैला हुआ है और हर साल 5 मीटर से बढ़ रहा है। इस पेड़ के नीचे पुरातत्व वाव स्थित है, ऐसी लोकवायिका भी है। आप देख सकते हो यह स्थान एक छोटे से जंगल जैसा दिखता है जो एक ही पेड़ से बना हुआ है। इस पेड़ को हेरिटेज ट्री ऑफ गुजरात में स्थान मिला हुआ है और यह पेड़ पक्षी और बंदरों का घर भी है। यह पेड़ कबीर वड के बाद गुजरात का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वड है और इस वड का दूसरा नाम सुथारिया वड भी है। तो चलिए अब हम यहाँ के त्यौहार और मान्यताओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ दर रविवार और पूनम के दिन हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और रविवार के दिन सुखड़ी का प्रसाद होता है और पूनम के दिन भोजन की व्यवस्था भी होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने गरुड़ी रखे गए। ये सारे गरुड़ी भक्त लोग अपनी मान्यता पूर्ण होने पर लाते हैं और लोक मान्यता मुजब इस पेड़ की डाली कोई भी नहीं काट सकता और किसी ने काटी तो उसके ऊपर विघ्न आ सकता है। और यहाँ नवरात्रि की आठम के दिन भव्य मेला होता है। आपको यहाँ खरीदी करने के लिए और चा नाश्ता करने के लिए दुकानें भी मिल जाएंगी।
जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने इस वड की दो बार मुलाकात ली। पहली मुलाकात 2005 में ली, बाद में उन्होंने 2006 में इस वड को प्रवासन स्थान घोषित किया और दूसरी मुलाकात 2013 में ली। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाल के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जब कंथापुरा वड के दर्शन के लिए आए तब उन्होंने यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ फंड दिया, जिससे यह ध्यान योग प्लेस, एग्जीबिशन हॉल और दुकानें जैसी चीजें बन सके और यहाँ का विकास हो सके। आप ये कॉम्प्लेक्स देख ही सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने में 15 करोड़ लगेंगे। वड वाली माता की महिमा ही कुछ अलग है, यह हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीपिन गिरी महाराज को, गजरथ जी को जिन्होंने हमें जानकारी दी और हमारे हसमुख काका को जिन्होंने हमें स्क्रिप्ट लिखने में मदद की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।